अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ असगर अली और आज हम आपको क्लास 8 की मैथ की एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपको बाइनरी सिस्टम में, ऑक्टल सिस्टम में और बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करना सिखाएंगे कि डेसिमल को कैसे बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल बेस 8 सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन सवाल को शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगली आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट इनटू बेस सिस्टम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है पार्ट 1, 3025 टू बाइनरी ऑक्टल एंड बेस 5। तो 3005 को बाइनरी सिस्टम में, बेस 2 में, ऑक्टल सिस्टम 8 के निज़ाम में और बेस 5 के निज़ाम में, बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो आइए स्टूडेंट कन्वर्ट करते हैं। 3025, तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, अगर आपने बेस 2 सिस्टम में बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपने 3000 को 2 पे डिवाइड करते जाना है और साथ उसका जो हर दफा 2 पे डिवाइड करना है और जो उसका रिमाइंडर है वो एक साथ दाएं तरफ लिखते जाएंगे। तो आइए सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 पे डिवाइड करते हैं, तो 2 वन्स आर 2, ये 3 है, तो 2 का टेबल 3 तक कितनी दफा जाएगा, 1 टाइम, तो 2 1 टाइम 2 और यहां से 1 कैरी बचता है तो वो इसके साथ लगाएंगे, इसके साथ मिलाएंगे तो ये 10 बनता है। 2 5 आर 10 और ये आगे 2 है, 2 1 टाइम 2 और 2 2 आर 4, ये 2 5 पे दो दफा तकसीम होगा, 2 2 आर 4 होता है तो यहां से 1 रिमाइंडर आता है तो वो यहां पे लिखेंगे 1 बाकी बचता है। तो स्टूडेंट्स हर दफा आपने इसको 2 से डिवाइड करना है तो दोबारा 2 पे डिवाइड करते हैं। अब देखिए 2, ये जो 1 है 2 से लेस है तो क्या करना है कि साथ वाला डिजिट भी इसके साथ मिलाए तो ये 1 नहीं बल्कि 15 बन जाता है। अब 2 का टेबल 15 तक, 2 7 आर 14 होता है तो यहां पे 7 लगाएंगे और जो रिमाइंडर 1 है वो इसके साथ आगे मिलाएंगे तो ये 11 बनता है। तो ये 11, 2 का टेबल 11 तक, 2 5 आर 10, 5 टाइम और फिर यहां से 1 जो है इसके साथ मिलेगा, 12 बनेगा, 2 6 आर 12 और यहां पे रिमाइंडर नहीं बचता तो बाकी क्या है 0 इधर लिखेंगे। 756 को दोबारा 2 पे डिवाइड करना है, 2 3 आर 6 7 है तो 1 इसके साथ मिल जाएगा जो बाकी बचा है, 15 बनता है, 2 7 आर 14 फिर यहां से 1 इसके साथ मिले 16 बनेगा तो 2 8 आर 16 और मैडर 0। तो स्टूडेंट्स हमने इसको 2 पे डिवाइड करते रहना है, उस वक्त तक डिवाइड करते रहना है जब तक ये 2 से वैल्यू इसकी कम ना हो जाए, 2 से नंबर कम ना हो जाए। तो दोबारा 2 पे करते हैं, 3 पे 2 1 आर 2, 1 यहां पे इसके साथ मिलेगा 17, 2 8 आर 16, 1 इसके साथ मिलेगा 2 18 बनता है तो 2 9 आर यहां पे 0 रिमाइंडर आएगा। करते हैं अब 2 18 पे, 2 9 आर 18 कुछ नहीं बचता तो अगला नंबर है 9, 2 को 9 पे करें, 2 4 आर 8 होता है, यहां से 1 रिमाइंडर बचता है वो यहां पे लिखना है। स्टूडेंट्स दोबारा हम इसको 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, अब 9 पे 2 का टेबल 2 4 टाइम 8 होता है, 4 लगाना है यहां पे 1 इसके साथ मिलेगा ये 14 बनता है
टू सेवन जा 14 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर जीरो। फिर टू पे करते हैं, टू टू जा 4 और 7 पे करते हैं, टू थ्री जा 6, यहां से 1 रिमाइंडर आता है तो वो यहां पे लिखेंगे। दोबारा टू पे करते हैं, टू वन, टू पे करें तो टू वन जा 2, थ्री पे करें तो टू वन जा 2 और रिमाइंडर 1। टू पे करते हैं 11 तो टू फाइव जा 10 और रिमाइंडर 1। दोबारा टू पे करते हैं, टू टू जा 4, रिमाइंडर 1। तो स्टूडेंट्स अब टू पे लास्ट जो है हमारा, टू वन जा 2 और रिमाइंडर 0। तो ये हमने टू पे डिवाइड कर दिया है। अब जो इसका रिमाइंडर बच गया है ये इसका आंसर होगा। आंसर क्या है इसका, ये 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1, ये बेस टू में इसका आंसर होगा। 1 0 1 1 1 1, जीरो, वन, जीरो, जीरो, जीरो और ये लास्ट वाला 1। तो स्टूडेंट्स ये बेस टू में कन्वर्ट हो चुका है और इसकी बेस जो है नीचे लिखते हैं दाईं तरफ नीचे। नेक्स्ट हम इसको ऑक्टल में बेस 1 में 8 के निजाम में तब्दील करते हैं तो ये बनता है 3025 तो 33 8 से 3 लेस देन है तो इसका मतलब है 7 जीरो भी मिलाएंगे तो ये 30 बनता है और 8 3 24 यहां से 6 रिमाइंडर तो इसके साथ मिलाएंगे तो ये 62 बनता है तो 8 7 56 8 8 64 ज्यादा हो जाता है तो ये 62 है यहां पे, ठीक है, बनता है यहां पे 62 तो ये 8 7 56 तो यहां से जो कैरी बनता है वो 6 वो इसके साथ मिलेगा ये 65 बन जाएगा तो ये 8 8 64 रिमाइंडर 1 आएगा। स्टूडेंट इसको दोबारा 8 पे डिवाइड करते हैं, अब 37 तक 8 4 32 और यहां से रिमाइंडर क्या आता है 37 से 32 बनता है तो 5 आता है, 5 इसके साथ मिलाएंगे तो ये 58 बनता है तो ये 58 5 7 56 और यहां पे 2 रिमाइंडर आएगा। दोबारा 8 पे करते हैं तो 8 5 40 और 7 रिमाइंडर तो स्टूडेंट्स इसका आंसर भी आ गया है और ये जो हमारे पास रिमाइंडर बाकी बचते हैं ये इसका 8 इसमें चेंज हो चुका है ऑक्टल सिस्टम में, इसका आंसर आएगा 5 7 2 1 बेस 8। तो स्टूडेंट्स हमने 3025 को ऑक्टल सिस्टम में 8 के निजाम में तब्दील कर दिया है। अब अगला जो हमारा है वो हमने बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो अब 3025 को बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 5 पे डिवाइड करना है, 5 पे करते हैं 5 6 30 आगे ये 2 ये 5 से लेस है तो इसका मतलब है ये 0 टाइम होगा, 5 0 0 2 फिर ये 7 मिलाएं 25 बनता है तो 5 5 25 और मैडर 0, 5 1 5 यहां से 1 कैरी बन 1 0 के साथ मिलेगा 10 बनेगा, 5 2
10, again 5 ones are 5, remainder 0. तो नेक्स्ट डिवाइड करते हैं 5 पे, 5 टूज आर 10, यहां से 2, इसके साथ मिलेगा 21, 5 फोर आर 20 और रिमाइंडर 1. 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 फोर आर 20 और रिमाइंडर 4. तो स्टूडेंट्स इसका रिमाइंडर 4 4 1 0 0, तो ये इसका आंसर बनता है. बेस 5 में 4 4 1 0 0 बेस 5. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट 1 हमने हल कर दिया है.